सुपरस्टार सलमान खान को लेकर आई है बेहद बड़ी खबर। पिछले दिनों क्राइम ब्रांच की टीम सलमान खान के घर अचानक से पहुंच आई थी। वजह आपको बता दे, पूछताछ का था मामला। मामला वही ओपन फायरिंग से जुड़ा हुआ था। सलमान खान से हुई है पूछताछ और 150 सवाल के देने पड़े हैं सलमान को जवाब। सलमान ने इसी दौरान बताया, जब ओपन फायरिंग उनके घर के बाहर हुई थी तो गोली की आवाज सुनकर ही उनकी नींद टूटी थी। दरअसल जब ये घटना घटी थी उस वक्त वो गहरी नींद में सो रहे थे। इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस ने सलमान ही नहीं अरबाज खान से भी बयान मांगा और बयान दर्ज भी कराया गया उनका। पहुंची हुई टीम ने 4 मेंबर के साथ सलमान के घर पर 4 घंटे से ज्यादा समय तक एक्टर का बयान दर्ज कराया था। 2 घंटे से अधिक समय तक तो अरबाज के ही बयान दर्ज कराए गए थे। पुलिस ने दोनों से करीब 150 सवाल पूछे थे। एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि सलमान ने माना कि उनकी जान को वास्तव में खतरा है। सलमान ने अपने बयान में पुलिस को बताया, 14 अप्रैल को गोलीबारी की घटना वाले दिन वह घर पर थे। पिछली रात देर से लौटे और घटना के समय वो सो रहे थे। जाग गए थे वो गोलीबारी की आवाज सुनकर। अरबाज ने कहा, घटना के समय वो अपने जोहू स्थित आवास पर थे। अरबाज ने पुलिस को कहा, ये तीसरी घटना थी क्योंकि किसी ने पहले उनके घर के बाहर एक धमकी भरा नोट छोड़ा, पनवेल में उनके फार्म हाउस की रेकी की और अब इसके बाद ओपन फायरिंग हुई है। पुलिस अधिकारी के हवाले से ये कहा गया है कि जांच के लिए उन्होंने सलमान खान और उनके भाई के बयान दर्ज किए गए और सुबह हुई घटना की पुष्टि भी हुई। अभिनेता के बांद्रा स्थित आवास के बाहर 4 राउंड फायरिंग को लेकर अब मामला और तरीके से आगे बढ़ रहा है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के आदेश पर ये पूरा मामला घटा था। क्राइम ब्रांच के अनुसार सलमान को जो पहले धमकी मिली, बिश्नोई ने दावा किया इसलिए निशाना बनाया गया सलमान को क्योंकि 1998 में हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरण का उन्होंने शिकार किया था, जिसके कारण सलमान उनके निशाने पर रहे। नेक्स्ट 9 लाइव।